लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, रमज़ान भी अच्छे से जा रही होंगी इंशाल्लाह, माशाल्लाह से सबके रमज़ान भी अच्छे जा रहे हों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरन पूली। तो हमने इस कप से चने के दाल लिया था, इसको 2 घंटा पहले हमने धुल के भिगा दिया था। ओके, तो मैं इसको जो है उबाल लूँगी। इसी कप से 1 कप पानी डालूंगी बस। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 कप पानी डाल दिया है। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी और बाकी इसमें हमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, मैं मीठी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 कप, इस कप से हमने 1 कप गुड़ लिया है और इसी कप से 1 कप शक्कर। ओके, ये हमने जायफल और जोतरे 1 टीस्पून ले लिया है, इसका पाउडर हमने बना लिया है अच्छे से। तो फिर मैं दाल पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँ। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया है, इस कप से 1 कप आटा और 1 कप मैदा हमने दोनों को मिला लिया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दिया है और 4 टेबल स्पून तेल डालूंगी। आप घी भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे तेल यूज कर रही हूँ। मैं दाल जब भूनूंगी तो उसमें घी यूज करूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें नरम डो तैयार करूंगी, बिल्कुल चपाती की रोटी जैसे बनाते हैं ना, उससे आटा हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डो अच्छे से गूंद गया है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट हमने गूंदा है। इसको ऐसे निकालेंगे तो इस तरह से बढ़ना चाहिए। ओके, तो हम इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इसको बंद करके ऊपर से हमने तेल लगा दिया है, तो इसको रेस्ट करेंगे। अब इसको आधा घंटा के लिए बंद करके रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल माशाल्लाह से हो गई है, बहुत अच्छे से गल गई है, ये देखिए। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये झन्ना लिया है, ऐसी झन्ना में हमने निकाल लिया है चने को, चने की दाल को। और इस कटोरा है या प्याला है, बाउल, इसी में रख दिया है। ओके, तो मैं धीरे धीरे इसी चम्मच से इसमें चलाती रहूँगी और ये छन जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमने, ये देखिए छन्नी में हाथ से दबा दबा के मसल के हमने पूरा छान लिया, तो इस तरह से पीछे आ गया। तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। मतलब आज मैंने जो है दाल को बहुत ज़्यादा उबाला, तो बहुत एक भी इसमें कड़ नहीं बचा, नहीं लास्ट में बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बच जाता था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 बड़ा चम्मच घी, थोड़ा सा ले लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने दाल पीसा है वो। यहाँ पे हमने चने के दाल डाल दिए हैं और जो हमने गुड़ और शक्कर लिया था वो भी इसमें डाल दूंगी। जायफल और जोतरी का जो भुक्का हमने 1/2 टीस्पून लिया था वो भी डाल दूंगी इसमें। और इसमें 1/2 टीस्पून में इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़, शक्कर और चने के दाल जो हमने पीछे, इसका इन तीनों ने अपना पानी छोड़ दिया। देखो ना कितना बिल्कुल गीला गीला सा हो गया। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, पका लूंगी। यहाँ पे पूरन पूली हम लोग आम के रस से खाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 किलो आम लिया था, उसका पल्प निकाल के अच्छे से हमने ग्राइंडर कर लिया था। उसमें 3 से 4 टेबल स्पून हमने शक्कर डाला था और 1 कप दूध, ये दूध अभी हमने डाला। अब इसको मिला रहे हैं अच्छे से, इसको मिला के फ्रिज में रख देंगे। ये आपको शाम है। तो हम इसी से पूरन पूरी खाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरन पूरी का दाल भूनकर हो गया है। तो अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, अब इसको मैं चला के ठंडा कर लूंगी। यहाँ पे 20 से 25 मिनट आटा को रेस्ट करते हुए हो गया है। तो मैं जब तक दाल ठंडी हो रही है तो मैं यहाँ पे लोइया, छोटी छोटी लोई बना लेते हैं फटाफट। आटा मिला, देखिए बिल्कुल ऐसा ही आटा गुन्ना होना चाहिए, ये देखिए ऐसे, हाँ ऐसे आटा रहेगा तो आपकी पूरन पूली बहुत अच्छी बनेगी, फटेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने 15 से 16 लोइयाँ बना के रख लिया, अब इसको मैं अच्छे से ढक दूंगी। तो यहाँ पे हमने ये लोई लिया है और इसको इस तरह से आटा लगाऊंगी और हाथ के मदद से इसे बढ़ाऊंगी, थोड़ा कटोरी शेप में आ जाएगा और इसमें मैं ये फिलिंग करूँगी, न कम हो न ज़्यादा हो, मीडियम में भरना है। हमने 1.5 टीस्पून हमने इसमें भरा है, इस तरह से घुमा घुमा के
लोई बना लेंगे। जो इस तरह है मैं उसको निकाल लूंगी, इस तरह से दबा दूंगी, देखिए हो गया ना। तो मैं आपको एक बेल के दिखा देती हूँ। हाँ, तो मैं इसको इसमें आटा लगाऊंगी और इसको ऐसे यूं करूंगी, इसको बेलन के मदद से बेल लूंगी। हल्के हाथ से बेलना, नहीं तो फट जाएगी। तो यहाँ पे हमने बेल लिया है और यहाँ पे हमने तावा रख दिया गरम पे, उसमें थोड़ा सा घी नीचे लगाऊंगी। इसको इस पे डाल दूंगी। तो यहाँ पे एक साइड में हो गया, मैं दूसरे साइड पलट दूंगी आराम से। हाँ, ये देखिए, तो मैं इस तरफ घी लगा रही हूँ और दूसरी साइड भी हम पलट देंगे इसको आराम से। हाँ, ये देखिए, तो इस साइड भी हम घी लगाएंगे अच्छे से। माशाल्लाह से देखिए ना, कितना गुब्बारा जैसे फूला हुआ है फौरन पूरी। तो मैं यहाँ साइड से इसे दबा दबा के गोल्डन ब्राउन तक कर लूँगी। तो यहाँ पे ये हो गया है माशाल्लाह से, बस हमको ऐसे ही कलर चाहिए था। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ साइड। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी भी देखिए माशाल्लाह से बेल लिया है। यहाँ पे हमारी दूसरी वाली भी माशाल्लाह से ये देखिए रेडी हो गया है। इन दोनों को तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जो है पूड़ियाँ बना ली हैं। ये देखिए, ये 16 पूरन पूली मेरी बनकर रेडी हो गया। तो देखा ना आपने कितने अच्छे से फूला फूला था। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमने इतनी फूली थी कि इसको अलग से कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा दाल बहुत अच्छे से लगी हुई है इसमें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा पूरन पूरी बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमने आम का रस रखा है, मैंने आपको बताया ना कैसे बनने का। आम के रस को निकाल के और ग्राइंडर में पीस लीजिए, उसके बाद उसमें शक्कर भी डाल दीजिए 3 टेबल स्पून। हमने आधा किलो आम का बनाया था तो वो बहुत ज़्यादा है, मैंने थोड़ा सा ही सुविधा रखा है। और उसमें दूध डाल दीजिए, 200 ग्राम तक दूध पड़ेगा, मैंने 1 कप दूध डाला था उसमें। तो माशाल्लाह से इसका चटनी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप भी इसी तरह से पूरन पूरी बनाइए और इन्जॉय करिए, लुत्फ उठाइए और खाइए। और फीडबैक में बताइए कैसे बना है, आप खा के बताइएगा, ज़रूर बनाइएगा इसको। हमने तो रोज़ा है, अभी अफ्तारी में खाएंगे इंशाल्लाह। वैसे हमने कई बार बनाया तो बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी बनता है ये। और आम का सीज़न आ गया है तो आम के सीज़न में तो और ही ज़्यादा बनता है ये सब। हम लोग आम के सीज़न में बहुत ज़्यादा बनाते हैं और इसको बहुत खाते हैं। और कभी हमें दाल को उसको बना के रख लेते हैं, 10 दिन 15 दिन चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप रन पूरी बनाइए और इंजॉय करिए, खाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।